दिव्या बॉलीवुड स्टूडियो जननी ही जननी जने तू चार जन जननी जने तू चार जन तू मत जन जी चाली अरे विचारों रण में जूझता जो विचारों है चाली हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में इतिहास पुरुष क्रांतिकारी युवा आज पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति हम सभी लोगों पर इतनी हावी हो गई है कि हम लोग वैलेंटाइन डे को याद रखते हैं परंतु शहीद दिवस को याद नहीं रखते। आज के दिन हमारे शहीद भगत सिंह जी, शहीद आजम, सुखदेव जी, इनको फांसी की सजा के ऑर्डर हुए थे कि शहीद भगत सिंह को फांसी दी जाए। और अंतिम इच्छा जब शहीद भगत सिंह को पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो इन्होंने कहा कि मैं एक बार मेरी जन्म देने वाली मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। भगत सिंह जी की माँ भगत सिंह जी से मिलने के लिए जेल में आई फांसी से पहले, और जैसे ही भगत सिंह जी को देखा तो माँ की आंखों में से आंसू निकलने लग गए, माँ रोने लग गई। तो भगत सिंह जी ने बोला कि माँ तू एक शहीद की माँ है, तेरा बेटा मर रहा नहीं है, तेरा बेटा अमर हो रहा है। माँ ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। माँ बोली कि बेटा मुझे इस बात का रोना नहीं है, मैं इस बात के लिए नहीं रो रही हूं कि मेरा बेटा जो है वो फांसी के फंदे पर जा रहा है, नहीं, तू तो देश के काम आ गया, तू तो शहीद हो गया, तेरा नाम अमर हो गया, तूने मेरी कोख को अमर कर दिया बेटा, परंतु ये जो आंसू है वो इस बात के हैं कि मैंने तेरा जैसा बेटा एक ही पैदा क्यों किया, मैं तेरे जैसे चार पांच बेटे पैदा करती तो वो देश के और काम आते। ऐसा जज्बा हमारे युवाओं में होना चाहिए। हल्दी घाटी में समर लड़ा, हल्दी घाटी में समर लड़ा, वो चेतक रो असवार कटे रिमायण थारो वो भूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ा, हल्दी घाटी में समर लड़ा, वो चेतक रो असवार कटे। मायड़ थारो वो भूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। बोलिए अमर जवान की और विशेष रूप से मैं वीडियो कैमरामैन भाई साहब से निवेदन करता हूं कि इस रचना को आप बहुत जल्दी से जल्दी एडिटिंग करके यूट्यूब पर अपलोड करें ताकि ये श्रद्धांजलि के भाव उन अमर शहीदों के घर तक पहुंच जाए, तो उनकी आत्मा को ये सुकून हो कि हिंदुस्तान की जो जनता है उनके दिल में, उनकी निगाहों में शहीदों के प्रति, हमारे जवानों के प्रति कितना सम्मान है। अरे मैं बाचो है इतिहास में, मैं बाचो है इतिहास में, मायड़ थे ऐड़ा पूत जना, वे धन पान लजायो नी थारो, रणधीरा वे सिरदार बना। पड़ी गया उनरी आगे, वो झुकियो नहीं नरी ना हरियो, अकबर री सेना रे आगे। हिंदुआ सूरज दीवान रतन, हिंदुआ सूरज दीवान रतन, वो
तार कटे मायड़ थारो वो भूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे माटी हल्दी घाटी री आ माटी हल्दी घाटी री लागे के शरबत चंदन है मैं माथा पर तिलक करा इन रो इन माटी ने नित बंधन है पारण भूमि तीर्थ भूमि आरण भूमि तीरथ भूमि दर्शन करिया मन ललचावे उन वीर शूर मानिया दा इवड़ा में जोश जगा जावे उन स्वामी भक्त जी तकरी उन स्वामी भक्त जी तकरी तापा टप टप आवाज कटे ओ पवन वेग से उड़ने वाले ओरे पवन वेग से उड़ने वाले ओरे तुझ पर सवार है जो मेरा सुहाग है वो रखियो रे आज इनरी लाजी हो ओ पवन वेग से उड़ने वाले ओरे हमारे राजस्थान के धरती के पशु जो है वो भी इतने स्वामी भक्त हुए महारानी उस चेतक घोड़े से बोली कि चेता तेरे कंधों पर आज भार है मेवाड़ का अरे तेरे कंधों पर आज भार है मेवाड़ का करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का और हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का देना जवाब तुझको शेरों की दहाड़ का चेतक महान है धरती की शान है चेतक महान है धरती की शान है तू रखियो रे आज इनरी लाजी हो ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े रचना की अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं विशेष रूप से मेरे युवा साथी सुनिएगा आज देश री सीमा पर संकट रा बादल मंडराया कश्मीर में घुस बैठा भारत सीमा में घुस आया चेतन हो जाना मैं किसी पार्टी पक्ष की बात कैमरा के सामने मीडिया के सामने नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरा ये निजी निवेदन है आप सभी लोगों से कि आने वाले 2019 में जो फैसला आप लोगों को लेना है वो बहुत सोच समझ के लीजिएगा और हिंदुआ सनातन धर्म की ताकत को मजबूत बना दीजिएगा घर घर में भगवा छाना चाहिए ये 2019 में हर घर में भगवा होना चाहिए क्योंकि जो हिंदुस्तान में रहेगा तो मां भारत का जयकारा उसको बोलना पड़ेगा
हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश की कामनी आए, अगर देश की कामनी आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। क्योंकि हिंदुस्तान में इतिहास गवाह है, इतने प्रधानमंत्री आए, इतने गए, इतनी सरकारें आई, इतनी गई, परंतु एकमात्र वो शेर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, जिन्होंने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार मोदी जी के लिए जयकारा करें, भारत माता की। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया। हमारे देश में महात्मा गांधी जी कहते थे कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ भी कर दो, दूसरा गाल भी आगे कर दो। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो तीन चार थप्पड़ फंस दे दो। पाकिस्तान को जवाब मिलेगा मित्रों। हमारे जो 40-42 जवान आज शहीद हुए, मैं यहां से चार भुजा धनी के दरबार से आपको वचन देता हूं कि आने वाले 10-15 दिन के भीतर यह खबर आएगी कि हमने 40 का बदला 400 से लिया है। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। क्योंकि तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर आप लोगों ने बोलना झुके नहीं। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर, शीश कटे पर, जो नहीं बोल रहे उनका झुक रहा है क्या? तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर, शीश कटे पर, तो उठे हुए माथे के सन्मुख ठहर न पाती हार, ठहर न पाती हार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। दिलदारे तुझे पे जानो दिल कुर्बान है, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है ये जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ओ दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। और अब इस जज्बे को, इस जोश को, इस जलती हुई आंख को जलते हुए रखना है। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर, कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे
कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। आज देश री सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, कश्मीर में घुस बैठा भारत सीमा में घुस आया, कश्मीर में जम्मू माई घुस बैठा भारत सीमा में घुस आया। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। भारत रावीर जवान, भारत रा वीर जवाना है, यानी वो सबक सिखा दी जो के थे हो प्रताप राही वंशज, यानी आबाद बता दी जो यो कश्मीर भारत रा है, यो कश्मीर भारत रा है। कश्मीर, कश्मीर किसका है? तो कैमरामैन बिल्कुल अलर्ट है, आप सभी लोगों की आवाज आनी चाहिए, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके। ओ कश्मीर, ओ कश्मीर, ओ कश्मीर, कुण आंख उठावे आज अटे रे मायड धारा सब भूत कठे, एक लिंग दीवान कठे महाराणा प्रताप कठा। उमिनी रंगा बसंती, मिनी रंगा बसंती चो, मेरी यार के लिए दिल दीवानों का डोला, दिल तार के लिए दिल मस्तानों का डोला, मेरे देश के लिए। बस आप लोगों ने अभी 2-3 साल पहले एक मूवी आई थी द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, किस किसने देखी है? क्या बात है, जिन्होंने नहीं देखी है वो YouTube पर देख लेना, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह जी का ओरिजिनल फोटो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। वो बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत सुंदर लगते थे, लेकिन उन्होंने दूसरी फालतू चीजों में दिमाग नहीं लगाया, अपने शरीर की जो ताकत थी वो देश को आजादी दिलाने में लगवाई, देश के काम आ गए, शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, ऐसे बहुत सारे नाम है जो क्रांतिकारी युवा हुए जिन्होंने अंग्रेजों की खटिया खड़ी कर दी और उनको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा, तब हमें आजादी मिली है। मैं तो निवेदन करता हूं कि हमारे रतनपुरा गांव हो या प्रत्येक किसी न किसी गांव में, हर घर में से एक लड़का, एक बच्चा फौज में जाना चाहिए। आप लोगों के आशीर्वाद से, मातेश्वरी की कृपा से, मेरे घर में भी मेरा एक ही बेटा है और मैं पहली बार ये बात मीडिया के सामने कह रहा हूं, क्योंकि आज मुझे मेरी आत्मा में बहुत बड़ा दुख है कि धोखे से वार करके हमारे देश के जवानों को, अरे भिड़ना तो सामने आके छाती के सामने भिड़ो, धोखे से मार दिया हमारे 42 जवानों को। मेरे घर में मेरा इकलौता एक बेटा है साहिल सिंह राठौड़, और उसको भी मैं फौज में भेजूंगा, ये पक्का वचन देता हूँ आज। और उस साहिल सिंह राठौड़ को वो न जाने आदतन, उसको दूसरे कोई खिलौने पसंद भी नहीं है भाई साहब, वो दिन भर गन, उसको गन चाहिए होती है, वो बोलता है पिस्तौल लाओ, 40-50 पिस्तौलें मेरे घर में पड़ी है, और वो रिवॉल्वर से खेलता है, इन सभी लोगों को पता है। कल मैं उसको कपड़े दिलवाने के लिए लेके गया तो मुझे बोले ये जींस और शर्ट ये नहीं चाहिए मुझको, तो फौजी की जींस दिलाओ, फौजी का टी शर्ट दिलाओ, तो मैंने उसको फौजी के कपड़े दिलवाए। तो ये जज्बा हमारे युवाओं में भी होना चाहिए भाई साहब,
सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हो ठीक है, लेकिन मैं आज रतनपुरा की धरती से आप लोगों को युवा साथियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप सुबह सुबह दौड़ें, वर्जिश करें, कसरत करें, अपनी बॉडी को बनाएं। ये ताकत आप लोगों की इस देश के काम आएगी, क्योंकि देश होगा तो हम होंगे, देश होगा तो राज्य है, राज्य है तो जिला है, जिला है तो गांव है, गांव है तो धर्म है, धर्म है तो सत्संग है, सत्संग है तो हम है। उसके लिए युवाओं के ऊपर कंधों पर भार है, किसी दूसरे धर्म को अपने ऊपर हावी मत होने देना। उसके लिए ताकत चाहिएगी, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ गाने बजाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए ताकत चाहिएगी। बंदूक उठानी है तो उस उठाने के लिए शरीर में अपने को ताकत भी चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूँ आप लोग दूसरी व्यसनों से दूर रहें, दूध पिए, छाछ पिए, मक्खन खाएं, सुबह सुबह कसरत करें, हमारे बजरंग दल से जुड़ें, शिवसेना से जुड़ें, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ें। और ज्यादा कुछ नहीं हो तो महीने में एक बार, कि भाई कलाकार तो रुपया गणा लेवे, मैं जागरण की कर कराऊं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप भजन संध्या कराओ। महीने में एक बार या दो महीने में एक बार सभी युवा साथी जिस प्रकार से आज आपने गले में बैजेट डाले हुए, गले में ये भगवान ले रहा है, ये अपनी अपनी बाइक के ऊपर, अपनी अपनी गाड़ियों के ऊपर इस सनातन धर्म के झंडे को लगा करके मोटरसाइकिल की पूरे गांव में एक रैली निकाल देना, उससे ही लोगों में दहशत रह जाएगी कि रतनपुरा में जाना है तो बहुत हिम्मत से जाना पड़ेगा, वहां के युवा बिल्कुल अलर्ट है, इसलिए आप लोगों को इस ताकत के साथ में रहना पड़ेगा। मैं निरंगा बसंती, मैं निरंगा बसंती चोला मेरी यारी के लिए, दिल दीवानों का डोला मेरे देश के लिए, दिल मस्तानों का डोला दिलदार के लिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, देश दुनिया का कहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली सकले हीरों की, गाता है सावन, गाता है सावन मस्ती में, मस्ती है चूमे बस्ती में। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, यहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, ओ भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ रीत सदा, मैं गीत उसी के गाता हूँ। इतनी देर से आप लोग सुन रहे हो, अब आप लोगों का गाने का नंबर आया, वहां भारती के लिए गाना है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता, भारत का, हे प्रीत जहां की रीत सदा, हर दिल से हमारा नाता है, ओ, 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 कुछ ही और ना आता हो हम तो, हमें प्यार निभाना आता है, ओ, 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 कितने पावन हैं लोग यहाँ, कितने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित गुटी शीश नवाता हूँ, भारत का रहने वाला, भारत की,
जो नहीं गा रहे हैं वो इसका मतलब पाकिस्तान से। भारत का रहने वाला और वीडियो बन रहा है, जो लोग नहीं गएंगे उसका आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा। भारत का रहने वाला हूं, हो 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 हो। चार पंक्तियां मातृभूमि को समर्पित कर रहा हूं रचना के अंतिम में। जहां डाली डाली परिसोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है धीरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, युग युग से अनगिन धाराएं सेवा में तेरी, गंगा यमुना सिंधु नर्मदा कृष्णा कावेरी, युग युग से अनगिनत धाराएं सेवा में तेरी, गंगा यमुना सिंधु नर्मदा कृष्णा कावेरी। जल जीवन से इसकी माटी उपजाती है अन्न, जल जीवन से इसकी माटी उपजाती है अन्न, नव सौंदर्य सवारती शीतल मंद सुगंध उतारे आरती, ओ जय मां भारती उतारे आरती, जय मां भारती दिव्य धरा मां भारती छलक रहा आनंद, दिव्य धरा मां भारती छलक रहा आनंद, नव सौंदर्य सवारती शीतल मंद सुगंध उतारे आरती, ओ जय मां भारती उतारे आरती, जय मां भारती।